एक बार फिर से मैंने आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिलीशियस फूड रेसिपीज के किचन में। तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ और आज की जो मेरी रेसिपी है उसका नाम है दाल मखनी। दाल मखनी सभी को बहुत पसंद आता है तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए दाल मखनी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए साबुत उड़द दाल। तो यहाँ मैंने साबुत उड़द दाल ली हुई है काली वाली, यहाँ मैंने आधा कप लिया हुआ है और इसे रात भर सोख करके रखा हुआ है और सोख करके ले लिया है यहाँ पे। और 1/4 कप हम लेंगे किडनी बीन जिसे हम राजमा भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने 1/4 कप राजमा लिया हुआ है और इसे भी मैंने रात भर भिगो करके रखा हुआ है। तो दाल मखनी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है प्याज। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से बारीक कट करके ले लिया हुआ है। मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से बारीक कट करके ले लिया हुआ है। 1 से 2 बड़े चम्मच हमें चाहिए घी। यहाँ मैंने 1/4 कप लिया हुआ है फ्रेश क्रीम। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच। 2 छोटे चम्मच हमें चाहिए इस तरह से बारीक कुटा हुआ धनिया पाउडर। 1/2 छोटी चम्मच हमें चाहिए जीरा पाउडर। 1/2 छोटी चम्मच हम लेंगे गरम मसाला पाउडर। 1/2 छोटी चम्मच हमें चाहिए हल्दी। नमक हम स्वाद के अनुसार यूज करेंगे। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 छोटा चम्मच। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज किया हुआ है। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने लिया हुआ है 2 बड़े चम्मच के लगभग यहाँ मैंने लिया हुआ है मक्खन। क्योंकि आज हम दाल मखनी बना रहे हैं तो मक्खन इसमें थोड़ा सा ज्यादा ऐड होगा। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप मक्खन की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। हींग हम यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 पिंच। एक हमें चाहिए तेज पत्ता। कसूरी मेथी यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 छोटा चम्मच। ये ऑप्शनल है बट अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ करके आता है। गार्निशिंग के लिए हम यूज करेंगे धनिया पत्ता। सो बेसिकली फ्रेंड्स आज मैं आप सबको रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर करें। तो चलिए अब रेसिपी को झटपट स्टार्ट करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को पहले एक में मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और नमक डाल करके प्रेशर कुकर में हम इसे ऐड करेंगे और डाल करके उबाल लेंगे। कुकर में हम राजमा और ब्लैक उड़द दाल को साबुत उड़द दाल को डाल देंगे। साथ में ऐड करेंगे ये नमक और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और अब हम इसे लो फ्लेम पे 4 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। इसे हमें उबाल लेना है जिसे हम लो फ्लेम पे 4 सीटी आने तक पका करके ले लेते हैं। यहाँ मैंने दाल को उबाल करके ले लिया हुआ है। साबुत उड़द दाल और राजमा दोनों को यहाँ पे मैंने उबाल करके ले लिया हुआ है। यहाँ मुझे इसे टोटल पकाने में मुझे 5 सीटी लगे हैं। यहाँ मैंने इसे लो फ्लेम पे 5 सीटी लगाया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसमें 4 सीटी लगाना बट ये 4 सीटी में पका नहीं था अच्छे से इसलिए मैंने इसमें 1 सीटी और लगाई। तो टोटल मैंने इसमें 5 सीटी लगवाई है। कढ़ाई को यहाँ मैंने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये घी। ऐड करेंगे हम इसमें तेज पत्ता। 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। प्याज हमारा यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी, मिर्ची पाउडर, यहाँ मैं आधी मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधा मैं तड़के के टाइम में यूज करूंगी। फ्लेम को लो पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं। नमक, नमक सावधानी पूर्वक इसमें ऐड करें क्योंकि जब हमने बॉईल किया था दाल को तो उसमें भी हमने नमक ऐड किया हुआ था। जीरा पाउडर, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट,
और ये धनिया पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे ये टमाटर, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अब हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। और अब हमें इसे ढक करके पका लेना है, हमें इसे तब तक पका लेना है जब तक कि हमारा टमाटर और जो बाकी मसाले हैं वो अच्छे से पक न जाए। हम इसे ढक करके पकाएंगे और इसे बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे, इसलिए हम इसे मैश करते हुए इस तरह से पकाते रहेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। आइए चेक कर लेते हैं कि मसाला हमारा पका है या नहीं पका है। मसाला हमारा पक चुका है अच्छे से। यहाँ मैंने इसे बीच बीच चलाते हुए पका लिया है, आप देख सकते हैं मसालों ने किनारों पे तेल छोड़ दिया है, जिसमें कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरह से पक चुका है। अब हम इसमें जो हमने दाल को पका के रखा हुआ है अब हम इसमें ऐड करेंगे। जितने पानी में मैंने इसे उबाला था मैं सारा पानी और दाल दोनों साथ में ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए उबलने देंगे ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है वो हमारे दाल में आ जाए। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है अभी, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे आधा ग्लास पानी इसमें और ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा जो ये दाल है उबले तो अच्छे से उबले। अगर इसमें कम पानी ऐड करेंगे तो हो सकता है जब ये उबलना स्टार्ट करे तो नीचे तली में जाकर के चिपक जाए, इसलिए यहाँ मैंने इसमें आधा ग्लास पानी ज़्यादा ऐड किया हुआ है। यहाँ पे हम सीजन चेक कर लेंगे, नमक चेक कर लेंगे, फ्लेम को हाई पे रखेंगे। यहाँ मैंने नमक चेक कर लिया, नमक इसमें बिल्कुल सही है। अब हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है। दाल में हमारा उबाल आना स्टार्ट हो गया है तो हम इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। वापस से ढक देंगे और इसे हम थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई पे रखा हुआ है। इसे उबालते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। आप क्रीम की क्वांटिटी भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच इसमें ऐड किया हुआ है। अब हम क्रीम के साथ साथ ही इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ता, और थोड़ा सा धनिया पत्ता हम बचा करके रखेंगे, गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। साथ में ऐड कर देंगे ये कसूरी मेथी इस तरह से, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। गैस को करेंगे बंद और इसे हम दूसरी साइड पर रखेंगे। और अब इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे, इस तरह से हम इसे ट्रांसफर करेंगे दूसरे पे। तड़का के लिए हमें कलछुल को गर्म करेंगे, यहाँ मैंने लिया हुआ है इसे गर्म करने के लिए। तो अब हम दाल में तड़का लगाएंगे, इसके लिए यहाँ मैंने एक बहुत ही छोटा पैन लिया हुआ है तड़का लगाने के लिए। ऐड करेंगे इसमें बटर, बटर को मेल्ट हो जाने देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये हींग, साथ में ऐड कर देंगे ये लाल मिर्च पाउडर जो हमने बचा करके रखा हुआ था तड़के के लिए। इन सबको हम थोड़ा सा पका लेंगे इस तरह से 30 सेकंड के लिए। गैस को करेंगे बंद और अब हमें इस तड़के को दाल में ऐड करना है। अब हम इस तड़के को तरह से दाल में ऐड कर देंगे, वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद हो तो आप इसमें मिर्च की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं, आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारा दाल मखनी तैयार है।
आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ मैंने इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाएगा, इसके लिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी अभी ऐसी रखी हुई है। तो चलिए अब हम इसे गर्म गर्म सर्व करते हैं, डिसआउट करते हैं इसे। ये हमारा गर्मा गर्म दाल मखनी बन करके तैयार है। आइए अब इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं, सिर्फ फ्रेश क्रीम से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। इस तरह से तो लीजिए दोस्तों, हमारा कुछ ही देर में ये गर्मा गर्म दाल मखनी बनकर के तैयार ही, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे घर पे बनाइए और आपकी रेसिपी कैसी बनी कमेंट करके जरूर बताइए। सो आशा करते हो दोस्तों आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आइडिया या सजेशन हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ने बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। आप इस दाल मखनी को जब भी सर्व करें तो गर्म गर्म सर्व करें, और सर्व करने से पहले इसकी गार्निशिंग आप बटर और फ्रेश क्रीम के साथ करके सर्व करें तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आशा करते हो दोस्तों आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक इस रेसिपी को एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।